खबर खरगोन जिले से है, जहां बोरावा में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की जयंती पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। बता दें कि सुभाष यादव की मूर्ति लोकार्पण और प्रदेश स्तरीय किसान सहकारी सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित हजारों कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सुभाष यादव के पुत्र की अगुवाई में सुभाष यादव की जयंती पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस दौरान भाजपा सरकार ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जीपी अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी मामले में कांग्रेस कोर्ट जाए या नहीं जाए, भाजपा को क्या लेने देना है। वहीं राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ है। हमारे कर्ज माफी की योजना समाप्त हुई, कोई चिंता मत करिएगा किसान भाइयों, चिंता मत करिएगा, 6 महीने में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और सब किसानों का, मैंने तो कहा था केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाता वाले किसानों का भी हम कर्जा माफ करेंगे। ये आज आवश्यकता है। शिवराज सिंह जी कहेंगे मैं 1 लाख, हर साल कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, झूठ पर झूठ, उनका खाना नहीं हजम होता बिना झूठ बोले हुए। और अब चुनाव सामने है, चुनाव सामने है, घोषणाएं कर रहे हैं। हमने कोई घोषणा नहीं करी थी, मैंने आश्वासन दिया था। अब हमने आश्वासन दिया कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे। हमने आश्वासन दिया है कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कितने में देंगे? महिलाओं को कितना मिलेगा? ये हमारा आश्वासन है। जैसे मैंने पूरा 11.5 महीनों में अपने कार्यकाल में शुरुआत करी थी, फिर से हमारी सरकार आएगी और हम मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए नई शुरुआत करेंगे, मध्य प्रदेश सही पटरी पर आए, हम नौजवानों के भविष्य के लिए निवेश आए। हमारे कर्ज माफी की योजना समाप्त हुई, कोई चिंता मत करिएगा किसान भाइयों, चिंता मत करिएगा, 6 महीने में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और सब किसानों का, मैंने तो कहा था केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाता वाले किसानों का भी हम कर्जा माफ करेंगे। ये आज आवश्यकता है। शिवराज सिंह जी कहेंगे मैं 1 लाख, हर साल कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, झूठ पर झूठ, उनका खाना नहीं हजम होता बिना झूठ बोले हुए। और अब चुनाव सामने है, चुनाव सामने है, घोषणाएं कर रहे हैं। हमने कोई घोषणा नहीं करी थी, मैंने आश्वासन दिया था। अब हमने आश्वासन दिया कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे। हमने आश्वासन दिया है कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कितने में देंगे? महिलाओं को कितना मिलेगा? ये हमारा आश्वासन है। जैसे मैंने पूरा 11.5 महीनों में अपने कार्यकाल में शुरुआत करी थी, फिर से हमारी सरकार आएगी और हम मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए नई शुरुआत करेंगे, मध्य प्रदेश सही पटरी पर आए, हम नौजवानों के भविष्य के लिए निवेश आए। उनको क्या तकलीफ है? ये हमारा फैसला है, हम क्या करना चाहते हैं, वो जो करना चाहते तो उन्होंने कर लिया। राहुल गांधी डरने वाला है। एक वो परिवार मोतीलाल नेहरू से लेके और यहाँ तक इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का बेटा, वो डरेगा इनसे? अगर किसी ने भ्रष्टाचार के ऊपर इतने सख्त लफ्ज बोले हैं और भ्रष्टाचार सामने रखा ये कहकर कि शेल कंपनियां हैं मॉरिशस की, अडानी ग्रुप में सारा नंबर 2 का पैसा लगा हुआ है, 20,000 करोड़ की, अभी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। स्वर्गीय पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन के जितने भी तमाम साथी थे,
चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे आदरणीय विवेक तनखा जी हो, चाहे आदरणीय गोविंद सिंह जी हो, चाहे आदरणीय राजमणि पटेल साहब हो, समस्त साथी ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ। उनको